నిర్మల్ జిల్లా భైంసాపట్నంలోని మున్సిపల్ కార్యాలయంలో వైస్ చైర్మన్ జాబీర్ హైమద్ మీడియా సమావేశాన్ని నిర్వహించి మాట్లాడారు. నిన్న కమిషనర్ వెంకటేశ్వర్లు బిల్ కలెక్టర్ విద్యాసాగర్ ఎస్సీబీకి ఇచ్చిన విషయం తెలిసిందే. తమ కార్యాలయంలో ఎవరైనా లంచం అడిగితే తమ దృష్టికి తీసుకురావాలని వైస్ చైర్మన్ తెలిపారు. कल हमारा भैंसा म्यूनसिपालिटी में जो एक्सीडेंट हुआ उसके बाद से हम सुबह में पूरे हमारे म्यूनसिपालिटी के स्टाफ से बुला के हम मीटिंग लिए. उसमें क्या क्या हमारे स्टाफ से गलतियाँ हुई उसको हम मालूम करें. उसमें ये मालूम हुआ कि हमारे पास से जो भी नोटिस वगैरह जाती थी हमारे स्टाफ से यहाँ पर टाइप वगैरह करके हम हमारे लोग नहीं दिए. ये हमारे कमिश्नर और हमारे जो सागर है ये लोग जो बाहर से नोटिस रेडी करके कोई भी पार्टी को देते थे और कुछ भी पैसे उसे का डिमांड करते थे. अगर हमारे ऑफिस से अगर कोई भी नोटिस वगैरह जाती तो हमारे नॉलेज में रहता था. और एक दूसरी बात ये सामने आई कि हमारे सैनिटेशन स्टाफ का जो जवान है चारी बुल का नाम है उसका, उससे भी मालूम है कि उसको दो लोग सपोर्ट कर, एक तो सागर बिल कलेक्टर, दूसरा हमारा चारी जवान जो सैनिटेशन का है, उन्होंने दोनों मिलकर सपोर्ट करें. चारी का क्या है बोले तो जैसा कि लेबर है हमारे पास, एक एग्जाम्पल 40 लेबर है, 40 लेबर में से 30 लेबर आ रहे, 10 लेबर नहीं आ रहे, तो 10 लेबर की तनख्वाह बना लेके ये लोग दोनों मिलकर कुछ तो भी कर लेते थे. फिर और एक जो है उसमें भाई ये बात मालूम है कि रेगुलर हमारे जो सैनिटेशन का स्टाफ है उसमें से 5 लोगों का तो अभी तक सामने आया. 5 लोग यहाँ पर नहीं आते थे, मैं उसकी तनख्वाह बना लेके हमारे कमिश्नर और चारी ऐसा मिलके दोनों ऐसा कुछ धंधा करे बोल के ऐसा दो चीज़ें हमारे नॉलेज में आई. तो आज चारी जवान को जो हम ना उसको अभी स्टाफ पर दिया, अभी उन्हें रिपोर्ट दे रहा पूरी कितने महीने से चल रहा क्या चल रहा. वो रिपोर्ट देने के बाद हम कलेक्टर साहब को और हमारे CDMA साहब को हम इसकी रिपोर्ट हम देंगे यहाँ से. और जो भी यहाँ पे म्यूनसिपाल्टी से जो भी नोटिसेस वगैरह जाते करते वो हमारे नॉलेज में रहते, पर ये हमारे कमिश्नर जो है ना बाहर से नोटिस टाइप वगैरह कर लेके किसी को भी देना दे के ब्लैकमेल करके कुछ भी पैसे वगैरह दिए उसका. कल ACB वाले उसके ऊपर ट्रैप करके उस पर केस बुक हुआ तो हमको मालूम हुआ. तो अब मेरे आखिरी पब्लिक से ये हम डिमांड रखते कि हम भैंसा म्यूनसिपाल्टी जो है ना बड़े अच्छे ढंग से हम लोग 10 साल से हम करते आ रहे और पब्लिक की हम बराबर सेवा करें हमारी काउंसिल. और हम मैं ख्वाहिश करता हूं कि भैंसे के आवाम से कि अगर ऐसी कुछ भी अगर कोई डिमांड हमारे पास कर रहे होंगे या कर रहे होंगे ऑफिस में या बिल कलेक्टर होने दो या नहीं तो मोटेशन में होने दो या नहीं तो ट्रेड लाइसेंस में होने दो या कुछ भी ऐसा, जैसे कि आपकी आपका घर का टैक्स 10,000 रुपये एग्जाम्पल अगर उसको 40,000 रुपये 30,000 रुपये करें तो क्यों करें बोल के अगर हमारे नॉलेज में लाए तो उसको मैं यहाँ पे बिठा के हमारे बिल कलेक्टर्स को और हमारे RO को और उनको बिठा के आप लोगों को उसका पूरा सर्टिफाई करके आपको बताएंगे कि भाई ये बड़ा क्यों, या ना तो बराबर था इसको बड़ा के आपसे कुछ डिमांड कर रहे क्या, वो आपके सामने हम लाने वाले. अब कल का भी किस्सा जो है ना, अगर वो बच्चा अगर मुझे बोलता तो मैं फौरन उसे बुला के यहाँ पे सेट करता था. बार अच्छा हुआ जो कुछ जो हमारे भी नॉलेज में आया कि नहीं ये धंधे कर रहे सो हमारे कमिश्नर साहब और ये लोग बोल के हमको कल मालूम हुआ. उसका ACB यहाँ पर ट्रैप हुआ. हमारे भैंसा काउंसिल के तरफ एक बहुत बड़ा रिमार्क था क्योंकि सबको मालूम था कि यहाँ की काउंसिल खासकर यहाँ के चेयरमैन बड़े अच्छे ढंग से यहाँ पर काम करते बोल के मालूम हुआ. तो ये ऐसे कमिश्नर और हमारा एक दो स्टाफ मिल के हमारे भैंसा काउंसिल को बदनाम करें. लिहाजा मैं पब्लिक से ये डिमांड करता हूँ कि आइंदा से कुछ भी अगर प्रॉब्लम है, कुछ भी छोटा छोटा जैसा नाली का होने दो, रोड का होने दो, पानी का होने दो, कुछ भी ऐसे डिमांड्स अगर कुछ भी अगर पब्लिक की तरफ से है तो नॉलेज हमारे नॉलेज में लाइए, बाजाबता व्हाट्सअप करिए मुझे, आपका प्रॉब्लम दूर हो जाएगा. और ऐसे कुछ भी गैर जरूरी अगर आपसे पैसे डिमांड कर रहे हो तो आप हमारे नॉलेज में लाइए, हम बराबर एक्शन लेंगे और आप लोगों के वास्ते हमारी काउंसिल काम करेंगी बोल कर रही है और करेंगी बोल के भी आपको हम ये वादा कर रहे हैं सुनने के लिए.